हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका त्यागी। आज मैं मसाला भिंडी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने मसाले, ये नमक है स्वाद अनुसार, ये आधी चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, ये दो चम्मच लूँगी मैं पिसा हुआ धनिया, ये आधा चम्मच अजवाइन, एक नींबू लूंगी, ये 8 से 9 कलियां लहसुन की, ये 2 टमाटर लूंगी, ये 3 से 4 प्याज लेना है, और ये प्याज और ये लहसुन की कलियां मैं इनको मिक्सर में पीस लूंगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने भिंडी को इस तरह से लंबा काट लिया है और मैंने ये टमाटर का पेस्ट बना लिया है और लहसुन प्याज का, और मैंने ये गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। एक मैं मिर्ची भी ले लूँगी, एक नींबू लूँगी। ये देखिए दोस्तों, ये गरम मसाला है। अब मैं इसको फ्राई करती हूँ भिंडियों को। ये मैंने कढ़ाई रख दिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल का डाल दिया है। ये तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, ये आधा चम्मच जीरा पाउडर, अब मैं ये लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अब इसे हमें ब्राउन कलर का कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला भुन चुका है। मैं इसमें अब मसाले ऐड करूंगी, ये लाल मिर्च पाउडर, ये रेड चिली, ये हरी मिर्ची, ये धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, ये नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, ये मैं टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। ये दोस्तों मट्ठा डाल दूंगी मैं थोड़ा सा इसमें, जिससे इसमें वो रालसी ना आए, ये चिपके ना आपस में। ये मैं हींग ऐड करूंगी। मैं इसमें भिंडियां डाल दूंगी, ये गरम मसाला है। इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ दूंगी। इसे मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी मसाला भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए, ये अच्छे से गल चुकी है। इसका कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी।
ये देखिए दोस्तों, हमारी मसाला भिंडी बनकर रेडी हो चुकी है और इसको मैंने सर्व कर दिया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मैं लाल बटन पर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।